चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 10वीं की, समकालीन भारत सेकंड के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और वैसे बता दूं कि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स हम लोग खत्म कर चुके हैं। उसके बाद कक्षा 10वीं की भी हम लोग एक बुक पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड के नाम से जो आपकी बुक्स है उसे कवर कर चुके हैं। और इस भूगोल की अगर हम बात करें तो इसमें एक चैप्टर आपका खत्म हो चुका था, संसाधन एवं विकास। याद रखिए एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसमें सभी बुक्स के जो चैप्टर वाइज चैप्टर आपके लेक्चर डले हुए हैं, वहां जाकर आप देखते रहिएगा। और मैं बता दूं कई लोग कमेंट कर रहे थे, कई एसएमएस भी आए कि और भी बुक्स कवर करिए, तो याद रखिए एक से दो बार पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लें, उसके बाद मैं कहता हूं कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, यानी कि और भी आप जो स्पेशल बुक्स हैं स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए और भी जो जो जरूरी होगी आपकी सब बता दूंगा पहले, लेकिन आप एनसीईआरटी 2 से 3 बार कम से कम पढ़ लें। उसके बाद अगर आप लोग स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में भी आएगा और आपका कुछ महत्व भी बनेगा, मतलब अच्छा भी लगेगा, समझ रहे हैं आप लोग। और बता रहा हूँ कि जो भी आईएएस या फिर पीसीएस एग्जाम के लिए आपकी एनसीईआरटी जरूरी है वही सभी कवर करवा रहा हूँ, बाकी मतलब आप सोच रहे हो कि जो जरूरी नहीं है उन्हें भी कवर करवा रहा हूँ, नहीं, जो आपके लिए जरूरी है उन्हें ही कवर करवाऊंगा। और याद रखिए सभी टेलीग्राम पर डाल दी गई हैं, तो वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए और एक से दो दो बार पढ़ लीजिए कम से कम, ठीक है। आज हम बात करते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधनों के बारे में। ना नारक मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें, मुझे आप अपना संगीत झरनों नदियों पर्वतों वनों कीटों और जानवरों की से ग्रहण करने दें, मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। एक बात आपसे बोलूं कि इसमें मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आपने आपने अगर कक्षा 6वीं से देखी है कक्षा 9वीं तक की, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बुक्स में आपको ऐसा कोई शब्द मिला हो जो आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई, इतने सरल शब्दों में लिखी गई है बुक्स कि आप अगर पढ़ते हैं तो आराम से समझ में आ जाती है, आपको किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ती है। याद रखिए अगर इन्हें आप पढ़ लेते हैं और आपका बेस मजबूत हो जाता है तो आगे आप जो भी स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे उनमें भी आपको ज्यादा किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, याद रखना। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटबैच, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जैसे हम पीते हैं, मृदा जो हमारे लिए अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, पौधे पशु सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। एक बात और हमेशा याद रखिए कि देखिए आप पृथ्वी पर एक पार्ट हैं इसका, पृथ्वी आपके लिए ही नहीं बनी हुई है, इसमें आप फिर देखेंगे सूक्ष्म जीव हो फिर जीव हो चाहे कोई और जानवर हो सभी का उतना ही हक है जितना कि आपका है। और आप देखते होंगे कि सभी अपना अपना कर्तव्य भी निभाते हैं, गाय भैंस बैल और कुत्ता कोई किसी भी जानवर को आप ले लीजिए वो अपना कर्तव्य निभाते हैं, यानी कि उनका जो धर्म है उसे निभाते हैं। लेकिन हम ही एक ऐसे प्राणी हैं कि जो सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं इस पृथ्वी को और ना अपना धर्म निभाते हैं, उसी का हम लोग परिणाम भुगतते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं।
यह आकार और कार में विभिन्न है, परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की अगर बात करें, तो यदि आप आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। यानी कि जैव विविधता का सीधा सा मतलब आप निकालिए कि एक से अधिक उपजातियां हो, एक से अधिक आप सोचिए कि जीव जंतुआ हो, वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो, इसे ही एक तरह से हम लोग जैव विविधता कह देते हैं। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या फिर 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विभिन्न वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुंथे हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते हैं, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। क्या है, एक तो अंधाधुंध तरीके से हम लोग जो भी यूज करते हैं, आपने देखा है कि पेड़ काटना अपना शुरू किया तो अंधाधुंध तरीके से हम लोग पेड़ काटे जा रहे हैं और उसी का परिणाम हम लोग भुगतते हैं फिर कि वर्षा नहीं हो रही है। और होती है वर्षा तो एक बार में कटाव पूरा मिट्टी बह जाती है। जिस मिट्टी की ऊपरी परत को बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, वो 2 से 4 मिनट में वर्षा अच्छी हो जाए तो बहकर चली जाती है। ये पेड़ काटने का ही परिणाम है, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को रोक कर रखती हैं, और अगर आप पेड़ काट देते हैं तो वो बड़ी जल्दी से बह जाती है। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है, और इनमें से कई उपजातियां जो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें चीता, गुलाबी सिरवाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतीदार उल्लू, मधुका इंसिग्निस महुआ की जंगली किस्म, और होवर्डिया हेप्टानीरोन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता है कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणी और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। एक यहाँ आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा एक गीदड़ रहा करता था, गीदड़ सुना होगा आपने, और दूसरा आपने आपके घर में एक छोटी चिड़िया हुआ करती थी जो घोंसला बना लेती थी, अंडे देती थी। आजकल वो दिखते नहीं है, आपको नहीं दिखते होंगे। ये पर्यावरण का बदलाव ही तो है कि कई आप देख रहे हैं, कई पक्षी आपके विलुप्त होते जा रहे हैं, कई आपके पशु इस तरह के विलुप्त होते जा रहे हैं, समझ रहे हैं, और कई विलुप्त हो चुके हैं। ये तो वो नाम बता दिए गए हैं जो मतलब ज्यादा चर्चित रहते हैं। आप सोचिए कि जो ज्यादा चर्चित रहता है उन्हीं को रख दिया जाता है, छोटा जो नॉर्मल होता है वो खत्म होने को नहीं लिखा जाता है। तो आप इन्हें भी देखते हैं कि ये ना के बराबर आपको देखते हैं। लुप्त होने होते वन, भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। सघन वन इसमें 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंगो वन 0.14% है। ये आपकी 2017 की रिपोर्ट है, याद रखिए, ये अपडेट होती रहती है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए, यहाँ केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है। और 2017 की आती है रिपोर्ट, 2019 में आएगी, इस तरह से जो भी रिपोर्ट आया करेंगी आती हैं उनसे अपडेट होता रहे, ठीक है। अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्रफल में 3,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों प्रबंधन की भागीदारी और वृक्षारोपण से हुई है। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित
किया जाता है, IUCN, यही आपकी सूची है वो। और याद रखिए, जब आपके आर्थिक सर्वेक्षण आते हैं तब भी आपको वनों के बारे में बता दिया जाता है। और आपसे करेंट अफेयर्स से जुड़ने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपकी जो भी रिपोर्टें आ रही हैं उनके बारे में आपको पता रहे, इसीलिए कहा जाता है कि डेली आपको जुड़ा रहना चाहिए करेंट अफेयर्स से, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। सामान्य जातियों की अगर बात करें हम लोग, तो वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक, रोडेंटस इत्यादि। संकटग्रस्त जातियों की बात करें तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती तो इन जातियों के जीवित रहना कठिन है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरन इत्यादि, इस प्रकार की जातियों में आपके सामने उदाहरण है। ठीक है, फिर आपकी सुबेद जातियां, ये वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदलती और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकट ग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि, इस प्रकार की जातियां हैं। याद रख रहा हूं, फिर बोल रहा हूं कि इन सभी को अच्छे से याद रख लेना, सामान्य जातियां, संकट जातियां, क्योंकि आगे आपको यही शब्द आपको देखने को मिलेंगे वहां भी। ठीक है, फिर आपकी दुर्लभ जातियां हैं, इन जातियों की संख्या बहुत कम या फिर सुबित है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थिति नहीं परिवर्तित होती है तो यह संकट ग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती है। स्थानिक जातियां, प्राकृतिक या फिर भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगल सुअर, जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, इन जातियों के उदाहरण है आपकी स्थानिक जातियों की। अगर बात करें लुप्त जातियां, तो ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती, यानी कि यहाँ नहीं पाई जाती। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, ओला भी, सिर वाली बतख शामिल है आपकी। इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। अब आपको दे देंगे 4-5 ऑप्शन, उसमें बताएंगे कि इनमें से कौन लुप्त प्राय सूचियों में शामिल है, या फिर पूछ लेगा संकट ग्रस्त सूचियों में शामिल है, तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। एशियाई चीता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीर नुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले होते हुए थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे अपने, तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वनों और वन्य जीव को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेशवाद काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य वनिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारक में से एक रहा है। भारत वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर मध्य भारत में स्थानांतरित, यानी कि झूम खेती अथवा सिलेश और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई या फिर निम्नीकरण हुआ है। झूम खेती का मतलब यह होता है कि एक जगह ये आपकी जनजातियों में अधिक प्रचलित रहती है, कि एक जगह आपने खेती की, एक दो बार की, वहां उसे छोड़ दिया, फिर
उसकी उर्वरता घट जाती है। उसके बाद आप दूसरी जगह बन जाकर वनों को साफ करके वहां खेती करने लगते हैं, फिर उसके बाद तीसरी जगह, इस तरह से आप बढ़ते रहते हैं, वनों को साफ करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, ये देख लीजिए, कर्नाटक में पाए जाने वाले हेट्रोमीटस कानारेंसिस, ये आपका बिच्छू की तरह, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाने वाला ऑकलैंड लैंड्रा ट्राथ ट्राथ विन विन कोरिया गैम्बल पोएसी, जिसका उपयोग चटाई व टोकरी बनाने में किया जाता है। एम्बिलिका राइज कच्चे फलों वाला संकट ग्रस्त औषधीय लता है। ठीक है, आप भी अपने दैनिक जीवन में देखेंगे कि आप अपने आसपास चारों तरफ नजर दौड़ाइए। एक समय हुआ करता था कि आप घर से निकलते थे तो पेड़ ही पेड़ आपको दिखाई दिया करते थे, और आज आप देखेंगे कि देखने पर भी अगर नजर हम लोग अच्छे से गड़ाए बैठे होंगे तब भी मुश्किल से दिखाई देंगे। हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या फिर एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक रोडोडेंड्रिन वनों का नुकसान हुआ है। पता होगा आपको भी सागवान वृक्ष होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनसे मतलब बहुत हमें आय भी होती है। इसलिए क्या होते हैं, आपने देखा होगा कई व्यक्ति भी अपने मतलब के लिए इन्हें लगाते हैं पेड़ों को, सागवान को, और बेचते हैं, इनकी लकड़ी महंगी भी बिकती है। तो क्या होता है कि सागवान के जो वृक्ष हैं ये दूसरे पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। और मध्य प्रदेश में आपका 4 लाख हेक्टर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन से ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान भी पहुंचाया है, और कई जातियां जिसमें भागीरथी भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित भी किया है। आप सोचिए, अभी मध्य प्रदेश में जो परियोजना चल रही थी नर्मदा जोड़ो परियोजना, और उसके बाद आपने देखा है कि नर्मदा जोड़ो परियोजना, इससे क्या हुआ कि अभी पन्ना टाइगर रिजर्व को भी नुकसान पहुंचा है। आप सोचिए, अगर वहां पानी भरता है, और सबसे बड़ी बात आपने देखा है कि अभी ट्रेन भी गुजरी है, कहां से, टीकमगढ़ से आप देखेंगे पन्ना के बीच में पन्ना होते हुए, तो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गई हुई है। तो आप सोचिए, अब जो रात में ट्रेन जाएगी या फिर दिन में ट्रेन जा रही, तो उससे कई पशुओं को नुकसान भी होगा, और वहां से आवाज करेंगे तब भी पशु परेशानी होती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो उस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, और कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती है। खनन से ये होता है कि आपको कहीं मालूम चल जाए कि यहाँ हीरा है, तो उस जंगल में भी आप खुदाई करने वाले लगते हैं, और आप जानते हैं कि खुदाई करवाने लगेंगे तो वहां पशु कैसे रहेंगे, जानवर कैसे रह सकेंगे। और यही कारण होता है कि हम लोग देखते हैं कि शहरों में भी अब आपको शेर देखने को मिलने लगे, टाइगर आपको शहरों में घूमते हुए मिल रहे हैं। तो असल में क्या है कि हम उनके क्षेत्रों में घुस रहे हैं, तो वो क्या करें, वो हमारे क्षेत्र में घुसने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाती है। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों काटकर की जाती है, ना कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी पैदा करते हैं। अब बात करते हैं हिमालय यव संकट में है। हिमालय यव यानी कि चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों की टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जात को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्या है ना कि हमारे यहाँ जैसे हम मकान बना रहे हैं कहीं, ठीक है, वहां से दो चार वृक्ष काट रहे हैं, तो आपका इतना कर्तव्य तो बनता है कि आप 10 काट रहे हैं तो कम से कम 5 पेड़ तो दूसरी जगह लगा दीजिए। दूसरी जगह का ये मतलब नहीं है कि अपने घर में लगाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं जैसे आपके खेत है उसकी मेड़ पर लगा दीजिए। खेत में कहीं भी आप देखते हैं कि कहीं भी खाली जगह पड़ी रहती है, वहां आप लगा सकते हैं। वो आपको ही छाया देगा, आपको ही मदद करता रहेगा वो पेड़। लकड़ी के रूप में भी आपको ईंधन मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सिर्फ उपयोग करना चाहते हैं लेकिन उसे संरक्षण देना नहीं जानते हैं। ये उसी तरह है कि हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ जाते हैं और अपने मौलिक कर्तव्यों के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आते हैं। समझ रहे हैं? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों का मारना, आकेटन यानी कि शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण व विषाक्तिकरण और दवा नल आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को मानी जाती है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपयोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपयोग से 40 गुना ज्यादा है। इस प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपयोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह प्रश्न है कि कौन क्या कहाँ से और कितना उपभोग कर रहा है। यहाँ आप देखिए चित्र तो देख रहे होंगे, शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस के की पौधे पौध लगाते हुए छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, और ये चित्र देख रहे होंगे आप लोग, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। अब कई पशु आप पक्षी देखते हैं, जैसे गीदड़ के बारे में आपने बताया था। एक आपको याद होना चाहिए, एक पशु खाने वाला जब पशु मर जाता था उसके खाने वाला भी एक चील टाइप की चील हुआ करता था। आजकल वो भी आपको दिखाई नहीं देते हैं कि जब पशु मर जाते थे उन्हें कहीं जंगल में फेंक दिया जाता था तो उड़ने लगते थे, ऊपर उड़ते रहते थे और उसी मांस को खाते रहते थे। तो वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि हम पशुओं को भी आप देखते हैं रासायनिक पदार्थ कोई दवाई देने लगे हैं। अगर दूध ज्यादा देने के लिए भी इंजेक्शन का उपयोग कर देते हैं, तो यही औषधियां है यानी कि यही दवाइयां उन चीतों के विनाश के लिए जिम्मेदार है। यही आपकी कई पक्षियों के लिए जो इस तरह के मांस पर रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उन पर उस तरह की दवाइयां, उनके अंदर भी औषधियां विष चला जाता है, इसी तरह उनका खात्मा हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है। और हम लोग रसायन का प्रयोग सबसे ज्यादा खेती में भी करने लगे, उससे भी नुकसान पहुंचता है, उससे आपका जल प्रदूषण भी होता है, आपका मिट्टी प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण। क्या आप जानते हैं कि भारत के अधिक आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। एक तिहाई जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। 40% मैंगो क्षेत्र लुप्त हो चुके हैं। और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। आप सोचिए कि एक समय हमारे यहाँ टाइगर बहुत हुआ करते थे, और इस समय आपको देखा होगा, आपने 2019 में रिपोर्ट आई हुई है, इसमें आपके 2967 हैं।
मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद मुझे लगता है 2367 ही है। अगर गलत हुए तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिए, कोई भी अगर आंकड़ा गलत हो जाया करे, मैं गलत बताता हूं तो उसे आप लोग सुधार के नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि दूसरा आएगा उससे सुविधा होगी आपके द्वारा, ठीक है। और मध्य प्रदेश पहली नंबर पर है इसमें, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। टाइगर प्रदेश भी कहते हैं आप लोग मध्य प्रदेश को, सोया प्रदेश, सोयाबीन भी याद एक होता है, हृदय प्रदेश। वनों और वन्य जीव जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है, जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं, अधिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। एक समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य का भार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो इन उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे इन्हें उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा, बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इस स्थिति में गरीब पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है, अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। आपने देखा होगा कुछ समय पहले क्या हुआ करता था कि व्यक्ति कई समुदाय ऐसे थे जो वनों में जो उत्पाद होता था उन्हीं से अपना दैनिक जीवन चलाया करते थे। उन्हें खाने के लिए जो भी सुविधा हुआ करती थी वो वनों से मिल जाया करती थी, लेकिन आज आप सोचे कि वनों पर कोई जीवित रह जाए तो ये संभव नहीं है। पहले आप देखते थे कि लकड़ी को बेचकर अपना जो जनजातियां हुआ करती थी वो अपना खर्च चला लिए करते थे, फलों को बेचकर फल फूट जो भी हुआ करते थे, और आपने देखा है तेंदू पत्ते को भी संग्रह किया जाता था। अब आप सोचिए तेंदू पत्ता हो ही ना तो बेचारी महिलाएं कहाँ से, आदिवासी कहाँ से ढूंढेंगे जो बीड़ी के उपयोग में प्रयोग किया जाता है आपका। भारत में वन और वन्य जीवन के संरक्षण की अगर हम लोग बात करें, यानी कि सुरक्षा की, वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है और हमारे जीवन साध्य संसाधन जलवायु मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता, जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। एक बात आपको बताता हूँ यार, कि आप सोचिए कि आप सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन आप लेते हैं, और आप सोचते हैं कि ऑक्सीजन को आपका शरीर यूज करता है और उसे CO2 में बदल देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वन उसे ग्रहण करते हैं, जो पेड़ है उसे ग्रहण करते हैं, वो उसे ऑक्सीजन में बदलते हैं, किसमें, ऑक्सीजन में, और फिर उसे आपको देते हैं और आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यानी कि एक चक्र है पूरा, कि आप ऑक्सीजन छोड़ ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन O2 छोड़ रहे हैं। आप सोचिए कि बीच की एक कड़ी को तोड़ दिया जाए पूरी तरह से, यानी कि पेड़ को खत्म कर दिया जाए, पेड़ों को पूरी तरह से, तो क्या आपको लगता है कि संभव है आपका जीवन? तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि आपके जो फेफड़े हैं, एक तो आप एक हिस्सा आपके अंदर है, एक पेड़ है आपके फेफड़े, कि आपकी प्रक्रिया को पूरी, मतलब ऑक्सीजन की प्रक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया को चलाते रहते हैं। तो जब आपके फेफड़ों का एक हिस्सा खत्म हो जाएगा तो उस जीवन किस तरह से संभव हो पाएगा? लेकिन अधिकतर मानव इस तरह की सोचने की उनके पास क्षमता ही नहीं होती है और सोचने का टाइम ही नहीं होता है जब तक कि ऊपर नहीं पहुंच जाते हैं। सन 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने
राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीव जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। सबसे पहले आपको याद रखना है 1972 में आपका भारतीय वन्य जीवन अधिनियम आया राष्ट्रीय वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रबंधन पर वन आवासों का कानूनी संरक्षण, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े हुए विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल, तीन प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल में मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है आपकी। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय घोड़ा, वन हेम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी संरक्षण दिया गया। ये आपको कांजीजंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा और हिरण दिखाई दे रहे हैं। एक गेंडा की तस्वीर है, ये आपकी हिरण है। कितना सुंदर लगता होगा आप ही सोचिए, जब इस तरह के पशु हमारे सामने देखने को मिलते होंगे, कितना हरा भरा रहता होगा। ये हरा भरा अब तो आपको दिखाई ही कम ही देगा। इससे भी आपके क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं बाघ परियोजना से। वन्य जीवन संरक्षण में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या यानी कि 50,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई। कितनी? एक समय हुआ करता था कि आपके 55,000 के करीब हुआ करते थे, उसके बाद आपने देखा है कि 1827 एक तरह से कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं कि 55,000 से सीधे 1800 केवल 1827 रह गई। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या खत्म होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाता है, अतः देशी शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वाले बालों के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर, इस शब्द को याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीवन जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। ये कई बार पूछ लिया गया। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार की जीव जाति को बचाना है। उत्तराखंड में कारवोट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। ठीक है, आपको वैसे मैं कहता हूं कि आपकी सरकार बड़ी, मतलब आपके पॉलिटिशियन बड़े अच्छे हुए हैं ना। तो देखिए, आप कहीं किसी भी क्षेत्र में आप देखिए कि आज से 17 साल हम लोग 1947 में आजाद हुए, आप सोचिए कि किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए आप लोग कि किसी भी क्षेत्र ने ऐसी प्रगति नहीं की है कि जो जिससे हम लोग अपने पॉलिटिशियन को अभी 1947 वाले पॉलिटिशियन को याद करके उनकी बाह-बाही करें। शिक्षा को आप लोग देखिए, जिससे बद से बदतर स्थिति में हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी भी प्रणाली बनी हुई है। आप किसी भी क्षेत्र को देखिए, इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति की और एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है सिर्फ, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं, कई देश ऐसे हैं जो हमसे बाद में जाके आजाद हुए और हमसे बेहतर स्थिति में पहुंच चुके हैं वो, तो इसके लिए मैं तो जिम्मेदार इन्हीं को मानते हैं, क्योंकि ये लड़ाते रहे जनता को और जनता जब तक भावनाओं में बहकर लड़ती रहेगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। एक समय के लिए आप काफी है कि आप अपना हिंदू धर्म बताइए, आप अपना मुस्लिम धर्म, आप सिख ईसाई, लेकिन अगर आप इनमें जगते रहेंगे
और लड़ते रहेंगे तो आपका देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। जापान का यही हाल है कि जापान के जो राष्ट्र प्रमुख कहते हैं कि वो हमारे यहाँ जाति में नहीं बटा हुआ है, सभी जापानी है, ऐसा नहीं कि वहाँ कोई पर्टिकुलर जाति हो, दोनों जातियाँ लड़ती रहती हो, ऐसा नहीं है, वहाँ एक जाति है। वो एक जाति होगी तो घर में तो युद्ध होगा नहीं, और घर में नहीं होगा तो सभी मिलके काम करेंगे तो देश में खुद भी बढ़ेंगे और देश को भी बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ अधिकतर देखिए एक ही मुद्दे पर लड़ते रहते हैं, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि एक ही दो मुद्दे पर आपका पूरा चुनाव खत्म हो जाता है। चलिए, जब तक अंधभक्ति रहेगी तब तक देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगे, पतंगों और एक डैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में शामिल हुई। कब? 1991 में। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षण करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में या फिर वन विभाग अथवा वन विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में। अभी 2 3 दिन ही पहले मैंने एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप लोगों ने भी ये शायद देखा होगा, कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, फॉरेस्ट गार्ड है, जंगलों में उसे कहीं पहुंचा दिया जाता है किसी काम से, उसके बाद बांस की कटाई करवा दी जाती है पुलिस वालों के द्वारा। मतलब मिलके आप सोचिए कि मतलब इसमें भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। उसके बाद उस गार्ड की महानता देखिए या फिर उसकी जिम्मेदारी अपना देखिए, कर्तव्य की स्थिति। अभी भी लोग सही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि देश चल रहा है, जिस दिन पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएंगे उस दिन देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो उस गार्ड को मैं देख रहा था कि वो इतने तगड़े से कार्रवाई कर रहा था कि मेरे हटने के बाद इन वनों को कटवाए क्यों गया है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा। सभी पुलिस वाले बड़े अधिकारी थे, वो खड़े खड़े मुंह टाँक रहे थे, मतलब बचना चाह रहे थे, उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसे दबा नहीं पा रहे थे। समझते हैं, जैसे ही ईमानदार व्यक्तियों को या तो ये लोग मरवा देते हैं, क्योंकि पुलिस के हाथ में इस तरह का मतलब इनकाउंटर, इस तरह के काम शामिल हैं कि अपना धर्म निभाने की बजाय ये अपना, कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और एक जो नकारात्मक छवि आपकी बन जाती है उसे हटाना मुश्किल रहता है। एक बार आपके भरोसे को कोई तोड़ दे तो अपनों पर भी इसे भरोसा आपका उठ जाता है। यही हाल है इनका कि पुलिस की छवि हमारे दिमाग में इतनी बुरी गढ़ चुकी है। वैसे भी आप देखते रहते हैं कि काम भी बड़े, कर्तव्य अपना निभाते ही नहीं है। कई जगह आपने देखा है पुलिस वालों ने अच्छा काम करते रहते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है इनके सामने, भ्रष्टाचारियों के सामने। अभी आपने तमिलनाडु देखा है या फिर कहीं भी देखते हैं आप लोग, तो एक बाप बेटी को किस तरह से बेहरमी से पीटा गया है और उन्हें मार दिया गया है। मतलब उनकी गलती इतनी थी कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने दुकान खोली हुई थी, और शाम सुबह दुकान, उन्होंने तो यही बताया कि टाइम से दुकान खुली हुई थी। ठीक है, टाइम से दुकान नहीं खुली हुई थी, बेवक्त टाइम उसने दुकान खोल दी होगी, तो इसका ये नतीजा नहीं होता है कि अपने वो किसी को मौत के घाट उतारे। यानी कि हम जिसे रक्षक समझ रहे हैं वही भक्षक निकल रहा है। और आप भी जानते हैं कि जनता पुलिस वालों के पास जाने से बेहतर समझती है कि अपने घर में ही बैठे रहें, क्योंकि हजार तो वो हजार तरह से बेशब्द यूज करते हैं बेमतलब के, और एक दिमाग में रहता है कि पुलिस वालों ने जाना मतलब रिश्वत का झंझोल बढ़ना, यानी कि पैसे खर्च होना। बदलाव पूरी तरह से बहुत बड़े स्तर पर होना चाहिए, लेकिन आपके नेताओं, मुझे लगता है कि उस समय बाद हमारे देश में फिर से क्रांति होगी, है आंदोलन होंगे बड़े बड़े, क्योंकि देखिए पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। 1974-75 से शुरू हो गया था कि बदलाव करना चाहिए, कई समितियां भी बनी इस पर,
लेकिन बदलाव नहीं किए जा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि कई वन रक्षक ऐसे भी होते हैं वनों की रक्षा करने वाले, कि वही काट के बिकवा देते हैं वनों को रातों रात। तो इनमें बहुत सुधार होना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। इसमें आपका आरक्षित वन है, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। घड़ियाल देखते हैं, अब आपको देखने को केवल चिड़ियाघरों में, यानी कि इस तरह के जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं वहीं देखने को मिलेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। एक गीदड़ देखिए, ये भी आपको कहीं कहीं मुश्किल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर आते हैं संरक्षित वन, रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, वह अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। आरक्षित वन, आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का आपका 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात रक्षित आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के राज्यों, यानी कि आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, ये सभी आपकी पूर्वोत्तर राज्य के, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी इसी पूर्वोत्तर भारत के राज्य। और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में ये रहते हैं। समुदाय और वन संरक्षण की अगर बात करें, तो वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष करते हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँव कि लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोनदेव डाकाओ सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं। जो शिकार वर्जित है वो बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। आपको एक सोचने लायक बात है कि आपके यहाँ जनजातियां जो भी अधिकतर आदिवासी जंगलों में रहा करते थे, अंग्रेजों के आने के समय पर आने के पहले आपने देखा है कि सभी का संरक्षण हो रहा था। फिर जीव जंतुओं का ले लीजिए, किसी की प्रजाति पूरी तरह से नष्ट नहीं हो रही थी। फिर आपके देश में अंग्रेज आए, उन्होंने आदिवासियों की जीवन चर्या से भी छेड़छाड़ करना शुरू किया। उसके बाद देखिए आप लोग, औद्योगिक क्रांति होती है एक तरफ से, और आपके यहाँ पेड़ों की, वनों की कटाई देखिए, फिर चाहे आदिवासियों के अधिकारों का हनन देखिए, फिर चाहे आप लोग देखते हैं कि जीव जंतुओं के ह्रास की बात करते हैं, इन सभी की प्रकृति में यानी कि इनके जनसंख्या में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई, कमी आई है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हरों की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कुमार रूप में बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं या ना ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। इससे आपने बरगद देखा होगा, इसकी भी पूजा करते रहते हैं आप लोग। तो हम लोग बहुत मतलब प्रकृति पूजा वादक थे, मतलब बहुत अच्छे मानते थे नदियों की पूजा, पर्वतों की पूजा, पठारों की पूजा। और आज हमारे देश में देखिए, माता
माँ बाप की पूजा नहीं की जा रही है। एक समय में होते थे हम लोग की पत्थरों की पूजा किया करते थे, पर्वतों की पूजा किया करते थे, नदियों की पूजा किया करते थे। तो हमारी संस्कृति भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हुई है। कुछ समाज में विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बटवृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके भी हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों और पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाए, उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनका नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। हिमालय में विशिद्ध चिपकू आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने में भी कामयाब नहीं रहा। अभी तो यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीके को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टेहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन नवादनाए ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। एक बात आपको समझ में आती होगी, पहले लोग हुआ करते थे कितने महान कि पेड़ों से चिपक जाया करते थे, पेड़ों की कटाई को बचाने के लिए पेड़ों को। आज आप देखिए कि एक समुदाय पूरी तरह से सोच चुका है कि अगर किसी के साथ आप एक समय हुआ करता था कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो दूसरा समुदाय खड़ा होता था, लोग सड़कों पर उतर जाते थे। लेकिन अभी आप देखिए कि राजनीतियों पार्टियों के ही कार्यकर्ता आपको रोड पर दिखेंगे, बाकी आप देख रहे हैं कि कोई भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा जा रहा हो। इसके लिए आप नहीं देख रहे हैं कि आंदोलन हो रहे हो, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हो, मतलब एक तरह से जनता सो चुकी है, मुर्दा मतलब बन चुकी है, बिना सांसों वाली, कि मतलब उसे कोई मतलब नहीं है देश दुनिया में क्या चल रहा है, किसके किसे मारा जा रहा है, किसे पीटा जा रहा है, किसके साथ गलत किया जा रहा है, किसे नुकसान पहुंचा जा रहा है। आप सोचिए अगर यही प्रवृत्ति, सोच प्रवृत्ति आज जो हम लोगों की है कि हमें क्या करना, वो सामने वाले पर हो रहा है अत्याचार, उसका जाने, तो सोचिए अगर यही हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए अगर वो भी यही सोचते तो आज हम लोग झगड़े होते, वही गुलामी कर रहे होते किसी की। तो मतलब एक सोच बड़ी तगड़ी बन चुकी है हमारे दिमाग में कि अगर किसी को कोई मार रहा है तो हम लोग तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं अपने आप को इंसान। तो मुझे लगता है कि हम इंसान की कैटेगरी में तो नहीं रखना चाहिए, अब हैवान मुझे लगता है कर देना चाहिए हमारी समाज को, क्योंकि कौन खड़ा हो रहा है, कोई नहीं रोकेगा कि ये। मैं देखता हूँ कि कई जैसे कोई भी माँ है घर से निकाल दिया गया है, ठीक है गलत बात है, आप उसे भीख नहीं दे सकते, उसे कुछ खाने नहीं दे सकते, तो उल्टे सीधे शब्द भी यूज नहीं कर सकते आप। कई लोगों को देखा है मैंने अधिकतर कि उन्हें बदबू आती है उन माओं से, मतलब जो भी रोड पर बच्चे हैं उनसे बदबू आने लगती है, नाक बंद करके निकलने लगते, उल्टे सीधे शब्द यूज करने लगते। अरे भाई मतलब हो सकता है कि आज तुम मतलब उनके माँ बाप जो हैं उनके बच्चों ने निकाल दिया, आपको अपना जीवन सुरक्षित लगता है, हो सकता है आपकी स्थिति उनसे बुरी होगी आने वाले समय में, आपके बच्चे हो सकता है कि घर से धकेल कर निकाल दें बुरी तरह से। तो आप अपना धर्म तो निभाइए, इंसानियत उतना थोड़ा तो रह गया कि नहीं रह गया। और धर्म के नाम पर कह दीजिए तो तुरंत हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बचाना है देश को बचाना है। अरे अपना मतलब परिवार बचाइए, अपना समाज बचाइए, अपनी इंसानियत को बचाइए, अपने कर्तव्यों को बचाइए, उसके बाद देश बचाने में आपका योगदान हो सकता है। सुबह से शाम बहुत सब फेसबुक पर पोस्ट 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 लगे जा रहे हैं, कितने साल जी जाओगे अगर हैवान बनकर और इंसानियत को दफन करके 200 साल जी भी
200 साल भी, 200 250 साल भी जी जाओगे, कोई याद नहीं रहेगा। मैं आज कहता हूँ ये बात, हो सकता है कि मैं ठीक है, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, ठीक स्थिति में हूँ। अगर मेरी स्थिति 10 रुपये कमाने की है तो 5 रुपये खर्च करने की भी है उसी में। मुझे इतना, मैं अपने आप को इंसान समझता हूँ बेहतर, कोई मुझे कितना भी बोलता रहे, मेरी स्थिति मेरी औकात कुछ भी रहे, क्योंकि याद रखना एक समय आएगा, जिस तरह से आज आप लोग गांधी और नेहरू को गाली देते रहते हैं, उन्हें तो आपने गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं है, बेवकूफों की दुनिया भरी पड़ी हुई है, आपने उनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, उनकी स्थिति को आपने जाना नहीं है। लेकिन हमारी जो पीढ़ी आएगी वो हमारे ऊपर थूकेगी हमारे नाम पर, पता है, और इतना बुरा बुरा कमेंट करेगी कि आपकी आत्मा, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मर जाना बेहतर है अगर आपके पास इंसानियत नहीं है। मुझे सबसे बुरा तो उस वक्त लगा कि मैं कभी कहीं जा रहा था तो कोई एक बूढ़ी माँ बिल्कुल मतलब बुरी स्थिति में थी, वो किसी लड़की या लड़के, मतलब आप देखते हैं कि आजकल घूमने का चलन पड़ा हुआ है ना कि लड़की लड़की गर्लफ्रेंड वाइफ, तो उन दोनों को मतलब नाक बंद कर ली उन्होंने उस माँ की तरफ, मतलब इतनी घृणा की तरफ से की तरह देखने लगे, मतलब बुरी तरह से, समझ रहे हैं, मतलब इतना बुरा, उस लड़की ने भी मतलब नाक बंद कर ली। मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ, उल्टा सीधा बोल रहे कि देखिए मतलब तुम्हारी जवानी है, ठीक है मत बोलिए जवानी है आपकी, आप भी जवान है अभी, लेकिन एक समय तो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं उस समय को भूल जाते हैं हम सभी। थोड़ा आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग अपने अंदर थोड़ी तो इंसानियत रखिए भाई, अगर इंसानियत दफन कर देंगे तो चलिए आप मतलब दूसरे को गाली भी दे देते हैं, बक देते हैं उल्टा सीधा, क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं। अभी लॉकडाउन के दौरान देखा मैंने कि एक माँ ने रोड पर जन्म दिया बच्ची को, उसके बारे में भी उल्टा सीधा कमेंट लिख रहे थे सोशल मीडिया पर। अभी तुम हैरान हो, मतलब हैवान हो तुम तो, कभी अपने घर परिवार के मेंबर को उस जगह रख कर देखिए, क्या किसी की नेता की बीवी ने कभी रोड पर जन्म दिया है बच्चे को उसके बाद फिर चलने लगती है? ये तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में क्या विश्व में कहीं भी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी हुई होगी। ये हमारे जीवन का सबसे बुरा दिन था जब हम लोगों ने ये स्थिति देखी, उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। क्या आप लोग अभी भी इंसान कहते हो आप अपने आप को? उस माँ की जगह अपने आप को देखिए, अपनी माँ को रख के, अपने परिवार को रख के देखिए, तब पता चलेगा कि कितना फिर बॉस व्हाट्सएप और फेसबुक पर लिखना कितना आसान होता है। कभी तो अपने आप से मिल लिया करो इस तरह के कमेंट लिखते हुए, इस तरह की सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए, कभी तो उस दर्द को समझ लिया करो कि वो अपनी खुशी से जन्म नहीं दे रही है रोड पर बच्ची को, कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह से वो अपनी स्थिति समझे। क्या बोलूं तुम लोगों के बारे में, कुछ मतलब वही है कि कुत्ते की पूंछ पुमज्जा में डाली और जब निकली सो वो टेढ़े की टेढ़ी, यही हाल है कुछ लोगों का। और ये साले पता है आप लोगों को, उल्टा सीधा शब्द यूज कर देता हूँ, पता है इनके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि ये इनकी हालत मतलब इतनी बुरी रहने वाली है कि ये साले जिंदगी भर भक्ति में डूबे रहेंगे, इस पार्टी की उस पार्टी की, ये भक्ति वो भक्ति, और इसी में ये मर जाएंगे साले, जिंदगी में कोई याद नहीं, इतिहास में इनका कोई नाम नहीं रहेगा। आपको पता है, आपको एनसीईआरटी सभी जो भी आप एस्पिरेंट रहते हैं, आईएएस एस्पिरेंट, आप लोगों को किस लिए कहा जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि एक आप इंसान बने, आप ये पेपर फोड़ देखते हैं, आपको किस तरह से आपको पूरा समझाया गया है, आपको इंसान बनाने की कवायद की गई है शुरू, क्योंकि आपको इन जैसा बेवकूफ नहीं बनना है, आपको एक अधिकारी बनना है जिसमें इंसानियत हो, जिसमें एक अच्छी अधिकार मतलब अधिकारी तंत्र को चलाने की क्षमता हो, कर्तव्य हो आपके अंदर। तो आप अपना धर्म निभाइए और इस तरह जहां भी देखिए तो आप मत दीजिए, मैं कहता हूं कि भीख मत दीजिए, लेकिन उल्टा सीधा शब्द आपको यूज नहीं कर पाए। कभी अगर आप खाना खिला देते हैं क्या उखड़ जाता है यार? अभी कुछ ही दिन पहले मैं कहीं खाना खाने गया होटल, पता है मैंने देखा कि एक माँ खड़ी हुई है बूढ़ी, तो वहां सब लोग खा के निकल रहे हैं, वेटर को पता है जो खाना लगाने वाला है उसे ट्रैक में मतलब
ट्रिप नहीं दे देते हैं, 100-500 दे रहे हैं, उस माँ को खाना खिलाने के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है। और मैंने 40-50 रुपए की वो एक थाली पैक करवाई दे दी, और मैंने उसे बोला कि खाने के लिए, बोला नहीं बोले पैक करवा दीजिए। मैंने पैक करवा दी, ले जाने लगी तो मैंने पूछा ले कहाँ जा रही हो, तो बोली मेरे बच्चे घर में भूखे पड़े हुए हैं, 3 बच्चे हैं। तब उसने सुनाया मैंने 3 थाली और लगवा दी। पता है मतलब 40-50 रुपए की मतलब थाली भी लगवा के चलिए, आप 1000 रुपए का खाना खा रहे हैं स्पेशल, उसे 40 रुपए की थाली लगवाने में क्या प्रॉब्लम है यार। स्थिति मतलब आप सोचिए, जो आप अगर कहीं होटल में खा रहे हैं, अगर वे खाना खाने के लिए आते हैं, अगर आपसे पैसा मांग रहे हैं, हो सकता है कि वो पैसा बर्बाद कर दें, ले जाके जुआ खेलें, दारू पिए, लेकिन खाना कोई मांग रहा है तो पेट के लिए ही मांग रहा होगा। खाना तो ऐसा है नहीं कि वो बर्बाद कर देगा कहीं या फिर किसी को बहन देगा, तो इतनी तो निभाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपना घर बेच कर किसी की मदद कर दीजिए, लेकिन अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो 1-2 रुपये उसमें से खर्च हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। हम देखते हैं कि अपने दीपावली पर अपने बच्चों के लिए 1000 रुपये 500 रुपये का पटाखा लगवा देते हैं, वो 10 रुपये अगर सामने वाले को दे देते हैं क्या फर्क पड़ता है। चलिए बहुत बात हो गई है, और ये बातें आपकी पेपर 4 में आपको बहुत मदद करेंगी, ठीक है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम छरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन छरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य भी करते हैं। इसके बदले में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों की हकदारी होती है, और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है, और स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी भी देर है, अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण हितैषी हों और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारीपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषणीय के लिए कोई मांग नहीं करता है, दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। गौतम बुद्ध 487 ईसा पूर्व में ये शब्द ये वाक्य कहा था BC में। इसी अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें भी आप लगाते रहना, और PDF आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। एक बार उससे भी पढ़ सकते हैं, आपके पास अगर टाइम है तो उससे भी पढ़ ले। चलिए तो मिलते हैं हम लोग 3रे चैप्टर में, जल संसाधन के बारे में जानेंगे।